है और मजलूमों के लिए, दुखी पीड़ितों के लिए काम करते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। और इस तरह से 2 साल के प्रयास में अगर लगभग 43 बच्चों को वो UPSC और BPSC में कम्पीट कराते हैं तो अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और इस तरह के सदप्रयास से जो हमारे महंगे फीस की ज़रूरत नहीं, किराए के घर में रहना बहुत कठिन स्थिति में, आप सोचो ना, गांव के किसान हैं, ज़मीन बेचकर, गरीब लोग हैं, जेवर बेच करके अपने बच्चों को चाहते कि किसी तरह से सरकारी नौकरी लग जाए। इस तरह से जितना BPSC में आप समझिए कि एक भरमार है, जिस तरह से अभी निकल रहे हैं लगातार, हर साल अभी समझिए कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, रिजल्ट्स निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अगर हम यहीं से कर पाएँ तो कितना उनका हम खर्चा बचा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकल। गंगा घाट पर आपने काफ़ी एक तरह से मेहनत की है बच्चों पर, कितने का रिजल्ट हुआ इस बार BPSC? जी हाँ, आपको बता देता हूँ, 67वीं BPSC में हमारा वहाँ पर टेस्ट होता है, टेस्ट से हम बच्चों को चुनते हैं, भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन टेस्ट से चुनते चुनते हम 30-35 बच्चे तक पहुँचे थे। 35 में हमारे 15 बच्चे PT एग्जाम क्वालिफाई करके मेंस किए हैं और स्वाभाविक रूप से उनका रिजल्ट आना है। और छठवीं, नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरेशन। बिहार की राजधानी में पटना में एक से बढ़कर एक BPSC और UPSC की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन आज पटना में एक ऐसे कोचिंग संस्थान का उद्घाटन जो है हुआ है, अशोका सिविल सर्विस, जो कि अपने आप में कई मायनों में खास है। और क्यों खास है बेसिकली इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। और ये जो कोचिंग संस्थान है वो RGD की धाकड़ नेत्री ऋतु जायसवाल जी ने की तरफ से एक तरह से खोला गया है, तो क्या सपना संजोष के आपने ये संस्थान खोला है? ये कह सकते हैं, जैसा सर ने कहा कि दिल्ली की भीड़ को यहाँ लाने की कोशिश है, मैं ये कहती हूँ वो वही भीड़ है जो दिल्ली चली गई थी, है ना, है तो भीड़ यही की, बिहार के ही बच्चे हैं जो कि अच्छे बेहतरीन एजुकेशन के लिए वो जाना चाहते हैं बाहर, उनको ये शिक्षा यहीं मिले, वो एग्ज़ाम्स यहीं से निकाल पाए, BPSC UPSC अगर उनके एग्ज़ाम्स यहीं से क्रैक होते, उनको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, महंगे फीस की ज़रूरत नहीं, किराए के घर में रहना बहुत कठिन स्थिति में, आप सोचो ना, गांव के किसान हैं, ज़मीन बेचकर, गरीब लोग हैं, जेवर बेच करके अपने बच्चों को चाहते कि किसी तरह से सरकारी नौकरी लग जाए। इस तरह से जितना BPSC में आप समझिए कि एक भरमार है, जिस तरह से अभी निकल रहे हैं लगातार, हर साल अभी समझिए कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, रिजल्ट्स निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अगर हम यहीं से कर पाएँ तो कितना उनका हम खर्चा बचा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं से मैं गांव से जुड़ी हुई हूँ तो मेरी संवेदना हमेशा उनके प्रति होती है। हमें लगता है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे वो वहाँ ना जा करके अपने ही परिवेश में यहाँ पढ़े और पढ़ के रिजल्ट दें और जॉब में आए। सर, आप बता रहे थे कि पेपर वाइज जो है वो आप पढ़ाते हैं, ये क्या मतलब, क्या किताबें ना खरीदे बच्चे? जी नहीं, देखिए अगर आज के न्यूज आप एनालिसिस करें, क्वेश्चन पेपर जो UPSC में आया है इस साल या पिछले साल, और BPSC UPSC के रास्ते पे चला है, जब क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो आप पाते हैं कि 65% प्रश्न डायनेमिक नेचर के हैं, अप्लाइड नेचर के, जो कि आपके समाचार में या आपके मीडिया में ज़्यादा उल्लेखित हुआ। अब उनके अंदर में घुसने से आप सब्जेक्ट में जब जाते हैं, उन किताबों को वहाँ खोजते हैं या उन किताब में फिर से लिख लेते हैं कि ये टॉपिक आया। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बिहार की एक विभूति है बोधायन। बोधायन के बारे में इतिहास में उतना जिक्र नहीं है, लेकिन बोधायन में एक मंदिर बना है बाजपट्टी में, जहाँ बताया गया है कि बुद्ध से पहले भी एस्ट्रोनॉमी पर काम हुआ है। तो बोधायन आपके UPSC का क्वेश्चन बन सकता है, BPSC का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यह समाचार पत्र में आया है। कांवर ताल एक जगह है बेगूसराय में, मियांडर बना, तो ये IAS का प्रश्न बना है क्योंकि न्यूज में आता है, समाचार पत्रों से ज़्यादा आते हैं। और हमारा कोशिश, गंगा घाट पर जो मुफ्त में पढ़ाता हूँ, वहाँ प्रतिदिन समाचारों के मुख्य न्यूज को दे जाकर हम सब्जेक्ट से जोड़ते हैं, इसीलिए गंगा घाट के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकलते हैं। गंगा घाट पर आपने काफ़ी एक तरह से मेहनत की है बच्चों पर, कितने का रिजल्ट हुआ इस बार BPSC? जी हाँ, आपको बता देता हूँ, 67वीं BPSC में हमारा वहाँ पर टेस्ट होता है, टेस्ट से हम बच्चों को चुनते हैं, भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन टेस्ट से चुनते चुनते हम 30-35 बच्चे तक पहुँचे थे। 35 में हमारे 15 बच्चे PT एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मेंस किए हैं और स्वाभाविक रूप से उनका रिजल्ट आना है। और छठवीं में भी यही रिजल्ट रहा है, 45 में 28, UPSC में भी हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। और हमारे रिजल्ट जो है वो मौलिक रिजल्ट हैं, जो रिजल्ट आपको हम ज़्यादा आप लोगों के माध्यम से ही बताते हैं।
और हम पहले ही बच्चों का नाम डिक्लेयर कर देते हैं ताकि ये एक सूचिता बनी रहे, ईमानदारी बनी रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली जाने की अब ज़रूरत नहीं है बच्चों को? जी हाँ, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, क्योंकि जब रिजल्ट हम देंगे, सही मार्गदर्शन हम देंगे, क्वेश्चन जब मेरे आएंगे एग्जाम में और मेरे लिखाए हुए प्रश्न जब बच्चे एग्जाम में लिखेंगे, तो फिर दिल्ली क्यों, बिहार क्यों नहीं, यह तो शिक्षा की धरती रही है, यहाँ आए, यहाँ रिजल्ट मिलेगा, हम पेड़ की छाया में पढ़ा देंगे, यहाँ तो इंस्टीट्यूट भी आ गया है। एक बात और मैं सर के बारे में बता दूं कि सर खुद यूपीएससी क्वालिफाइड रह चुके हैं और एक तरह से आप इनका डेजिग्नेशन भी देख सकते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दिल्ली में कार्यरत भी रह चुके हैं। करीब 2 साल पहले आपने पढ़ाने का कार्य जो है वो शुरू किया? जी हाँ, मेरी पत्नी है ऋतु जायसवाल, वो राजनीति के क्षेत्र में मुखिया होते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है, उनकी सक्रियता में मैं थोड़ा और योगदान देने के लिए आया, उनके साथ जुड़ा, फिर मुझे लगा कि बिहार में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि एक गुणवत्तापूर्वक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शिक्षा का, हम उस दिशा में प्रयासरत हैं और हम कोशिश करेंगे कि बिहार की भीड़ को यहीं पर सभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले ताकि वो बाहर ना जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। देख सकते हैं कि आज ही पटना के बोइंग रोड अशोका सिविल सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है, बोइंग रोड चौराहे पर ये संस्थान है और एक और संस्थान पार्ट है, हम विजुअल्स दिखाए, आज ही इनॉग्रेशन हुआ है और ओवरऑल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं और इसका उद्घाटन जो है वो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने किया था। क्या कहेंगे? ये अरुण बाबू जो अशोका सिविल सर्विसेज कोचिंग संस्थान खोले हैं, तनिक विचार करिए, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के संगठन में संयुक्त सचिव का पद छोड़ करके सड़क पर मजलूमों को पढ़ाने में अपना समय लगाते हैं, और वो व्यक्ति एक आदर्श है, उनकी शैक्षणिक संस्थान उत्कृष्टता हासिल करे, ईश्वर से, प्रभु से, परमात्मा से, खुदा से ये मेरी विनती है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस तरह के बिहार राज्यवासी जो बड़े ओहदे पर रहते हुए उस पद का त्याग करते हैं और मजलूमों के लिए, दुखी पीड़ितों के लिए काम करते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं, और इस तरह से 2 साल के प्रयास में अगर लगभग 43 बच्चों को वो यूपीएससी और बीपीएससी में कंपीट कराते हैं तो अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है, और इस तरह के सदप्रयास से जो हमारे पेरेंट का बच्चों के माध्यम से जो बहुत सारा फिनेंशियल सपोर्ट अन्य राज्यों को होता है, दिल्ली, कोटा वगैरह को होता है, तो उन राज्यों से वित्तीय सपोर्ट हम लोगों को मिले इसका प्रयास करना चाहिए। मतलब वो वहाँ के बच्चे यहाँ क्यों जाए, हमारे बच्चे वहाँ क्यों न जाए, यही इन लोगों का संकल्प है और सराहनीय है, बहुत अच्छा है। रीतलाल यादव के बयान को लिया था थोड़ी देर पहले, तो कुल मिला कहें कि पटना में यूपीएससी और बीपीएससी के कई संस्थान हैं और संस्थानों के इस भीड़ के बढ़िया संस्थान है वो आया है अशोका सिविल सर्विसेज। फिलहाल अभी तक नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।